नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नारायणगंज आदिवासी बाहुल्य मंडला के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में विद्युत विभाग के द्वारा अघोषित कटौती की जा रही है, जिससे व्यापारी वर्ग एवं जनता परेशान है। यह कटौती सिर्फ मनेरी क्षेत्र में ही की जा रही है। हर 2 घंटों में हो रही बिजली कटौती के कारण ग्राम नल जल योजना भी प्रभावित हो रही है, जिसके कारण ग्रामीणों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है। साथ ही रात्रिकालीन विद्युत कटौती के कारण विषैले जीव जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। मनेरी सब स्टेशन जाकर स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं आम जनता ने ज्ञापन सौंपकर सूचना दी कि जल्द ही समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो सब स्टेशन का घेराव किया जाएगा। है कि रात्रिकालीन एमपीबी की ओर से विद्युत कटौती का काम चालू है। कल पूरी रात लाइट नहीं थी, जिसके कारण मनेरी नल जल योजना भारी प्रभावित हुई है। गांव के लोग दूषित जल पी रहे हैं और दूषित जल पीने के कारण संक्रमण बढ़ने का भारी खतरा है और पूरे ग्रामीण एकजुट हो चुके हैं। अगर आज रात लाइट अगर कटती है तो पूरा ग्रामीण यहां पर आके ये एमपीबी सब स्टेशन का घेराव करेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी एमपीबी प्रशासन की और अधिकारियों की होगी। एक बात और बताना चाहूंगा कि रात्रिकालीन लाइट बंद होने से सर्पदंश का खतरा बना हुआ है, चोरी डकैती का खतरा बना हुआ है, कभी भी हमारे साथ कोई भी हादसा हो सकता है। हम तैयार हैं, अगर कोई ऐसी समस्या है एमपीबी को तो हम दिन में लाइट कटौती करने के लिए तैयार, मगर रात्रिकालीन अगर लाइट कटती है तो ये पक्का मान लीजिए कि एक नया हंगामा खड़ा होगा और उस हंगामे की संपूर्ण जवाबदारी एमपीबी की होगी, उनके वरिष्ठ अधिकारियों की होगी। खबर समय जगत के लिए नारायणगंज से बैनीलाल सिंह रौरी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.